द रियल एक्सचेंज रेट एंड नैट एक्सपोर्ट्स स्टूडेंट्स आज हम लास्ट मॉड्यूल्स में हमने एक्सचेंज रेट के हवाले से समझा नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट और इनका आपस में ताल्लुक तो आज हम देखेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट में जो चेंजेज़ आती हैं उसका नेट एक्सपोर्ट्स पर क्या इम्पेक्ट होता है सो द रियल एक्सचेंज रेट रियल एक्सचेंज रेट इज़लो कार्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ट्रेडेड फॉर दोस्ट प्रोड्यूस्ड अब्रॉड ऐसे हमने डिफाइन किया था कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है कि एक डोमेस्टिक गुड के बदले में आप कितनी फॉरन गुड्स ले सकते हैं सो so ऑबियसली जब ये चेंज होगा तो दिस विल अफेक्ट द नेट एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन द रियल एक्सचेंज रेट मीन्स पीपल इन अ कंट्री कैन गेट मोर फॉरन गुड्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स अगर रियल एक्सचेंज रेट में इजाफा हो जाता है ठीक है अप्रिसिएट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब हम अपनी एक गुड के एक यूनिट के बदले में फॉरन गुड्स के ज्यादा यूनिट्स ले सकते हैं सो द रियल एक्सचेंज रेट ऑल्सो अफेक्ट्स द कंट्रीज नेट एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स चेंजेस इन नैट एक्सपोर्ट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्रीज इन दंट्री जब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में तब्दीली आएगी यानि नेट एक्सपोर्ट्स बदलेगा तो उसके नतीजे में ओबियसली जो हम मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन इंडस्ट्रीज पर उसका असर पड़ेगा तो इसलिए ये मुल्क के लिए अहम है चेंजेस इन नैट एक्सपोर्ट्स अफेक्ट ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी And are a primary channel through which business cycles and macroeconomic policy changes are transmitted internationally. इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में उसमें कोई मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है या उसमें कोई और बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन की वजह से इकानमी में चेंजेज़ आती हैं तो वो एक मुलक की जो ये चेंजेज़ हैं वो दूसरे मल्क में कैसे ट्रांसमिट होती है दूसरे मुल्क को कैसे उस पर असर होती हैं ये एक्चुअली नेट एक्सपोर्ट्स के ज़रिए से दूसरे मुल्क पर असरअाज होती हैं और वो चैनल जो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन हैं और वो पॉलिसीज हैं वो इस तरह से दूसरे मुल्क में ट्रांसमिट हो जाती हैं सो द रियल एक्सचेंज रेट अफेक्ट नेट एक्सपोर्ट्स थ्रू इट्स अफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर गुड्स अ हाई रियल एक्सचेंज रेट मेक्स फॉरन गुड्स चीप रिलेटिव टू डोमेस्टिक गुड सो देर इज़ अ हाई डिमांड फॉर फॉरन गुड ओके जब रियल एक्सचेंज रेट हो जाएगा तो अब हम अपने मुल्क की एक यूनिट के बदले में दूसरे मुल्क से ज़्यादा ले सकेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब फॉरेन गुड्स की जो डिमांड है उसमें इजाफा हो जाएगा क्योंकि वो हमारे लिए अब रिलेटिवली सस्ती होगी विद डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स हाई नेट एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन नेट एक्सपोर्ट अभी हमने देखा क्या है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स ओके तो जब आपकी ये इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट जो है उसमें कमी वाकई हो जाएगी सो दस द हायर द रियल एक्सचेंज रेट द लोअर आर कंट्रीज नेट एक्सपोर्ट्स तो रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट्स में फिर क्या रिलेशनशिप बना नेगेटिव रिलेशनशिप बना एक्सचेंज रेट रियल जितना हाई होगा नेट एक्सपोर्ट्स उतनी कम हो जाएंगी अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्यों कम हो जाएंगी जब आपका रियल एक्सचेंज रेट अप्रिसिएट कर रहा है तो आपके लिए फॉरेन गुड्स चीप हो रही हैं तो उनके उसमें इजाफा हो जाएगा इम्पोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा और दूसरे मुल्कों के लिए आपकी चीज़ें महंगी हो रही हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी वाकई हो जाएगी सो so, इस रिलेशनशिप को ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट्स में द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द रियल एक्सचेंज रेट मे बी वीक इन द शॉर्ट टर्न एंड कैन इवन गो द रोंग वे कि ये जो रिलेशनशिप है इट विल होल्ड इन द लॉन्ग रन शॉर्ट टर्न में ये जो रिलेशनशिप है ये समाइम्स होल्ड नहीं करता होल्ड करता है तो बहुत वीक होता है और मे बी कि ये ये इवन रॉन्ग डायरेक्शन में अभी हम इसके एग्जाम्पल से इसको समझेंगे

अब इसके नतीजे में क्या हो जाएगा पाकिस्तान का रियल एक्सचेंज रेट डेप्रीसीट हो जाएगा कि अब हम पहले फॉर एग्ज़ाम्पल राइस एक्सपोर्ट करते थे उसके बदले में आयल जो आता था अब आइल एक्सपेंसिव होने की वजह से अब हम कम आयल हमारे चावल के बदले में हमें मिलेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा हमारा रियल एक्सचेंज रेट डेप्रीसीट होगा तो ये डेप्रिसिएट हो गया तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इसके नतीजे में क्या होना चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें इजाफ़ा होना चाहिए लेकिन वो इजाफा समटाइम्स शॉर्ट टर्म में नहीं होता इसलिए कि बहुत क्विकली जो हमें जो हमारे अब पैटर्न है इकोनॉमी का हम ऑयल की जो इम्पोर्ट है वो अगर से महंगी होगी लेकिन हम उसको कम नहीं कर सकते हम स्विच नहीं कर सकते दूसरे जो फ्यूल हैं उन पर तो इसलिए हम हम उतनी ही क्वांटिटी में ऑयल इम्पोर्ट करेंगे तो चूंकि वो महंगा हो गया और हमें उस पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा सो so, सिमिलरली real रियल will lead टू अ डिक्लाइन इन नेट एक्सपोर्ट्स इन द short रन Depreciation जब होती है तो उसके नतीजे में अभी आपको मैंने बताया कि क्या होगा कि नेट एक्सपोर्ट्स ने डिक्लाइन होना है विल लीड टू अ डिक्लाइन नेट एक्सपोर्ट्स इन द शॉर्ट रन एंड अ राइज इन द लॉन्ग रन कि लॉन्ग रन में तो राइज होना है लेकिन शॉर्ट रन में इट मे डिक्लाइन दिस पैटर्न ऑफ नेट एक्सपोर्ट इज नोन एज अ जे सो दिस इज द जे जेकर में हम इस टाइम ले रहे हैं और डेप्रिसिएशन का इम्पेक्ट देख रहे हैं कि जब आपका रियल एक्सचेंज रेट डेप्रीसीट हो रहा है तो उस वक़्त क्या होगा ओके ज़ीरो टाइम पीरियड में आपका जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो डेफिसेट में है ओके डेफिसेट में है तो डेप्रीसीन के नतीजे में होना तो ये चाहिए कि नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हो लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफे की बजाय ये कर्व जो है नेगेटिवली स्लोप है ठीक है नेट्स एक्सपोर्ट जो है वो उनमें फर्दर कमी वाकई हो रही है तो शॉर्ट रन में तो ऐसा होगा बट इन द लॉन्ग रन जब लॉन्ग रन होगा तो देर विल भी आ, नेट एक्सपोर्ट में इजाफा शुरू हो जाएगा सो so, इस इसलिए ये इसकी शेप जो है इस ना पर नापा पा जैसे जेव कर्व कहते हैं कि शॉर्ट रन में उसका इम्पेक्ट जो है वो उसके उलट होता है जो हमने पढ़ा सो द जे कर्व दिस एनालिस टाइम पीरियड लॉन्ग एनफ दैट द मूमेंट्स अलॉन्ग जे कर्व आर कम्प्लीट